अगर आपका बजट ना 10,000 रुपए से कम है तो आज मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसे स्मार्टफोन्स बताऊंगी जो कि 7,000 रुपए से भी कम प्राइस सेगमेंट में आते हैं, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस देते हैं ना, ये बिल्कुल 10,000 रुपए वाले स्मार्टफोन जैसी होती है। और मैं बात कर रही हूँ दो लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की, इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HT और टेक्नो स्पार्क गो 2024। अब बेस्ट पार्ट ये है कि इन दोनों को हाल ही में दिसंबर में ही लॉन्च किया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट फोन्स हैं और दोनों का जो प्राइस है ना वो 7,000 रुपए से भी कम है, यानी कि सबसे सस्ते स्मार्टफोन्स की लिस्ट में ये आते हैं। तो जैसे कि मैंने इन्फिनिक्स स्मार्ट बताया, इसका स्टार्टिंग प्राइस है 6,299। इस प्राइस में आप इसे इंडिया में खरीद सकते हैं। और वही टेक्नो स्पार्क गो 2024 को 6,699 में आप खरीद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइस तो दोनों का सिमिलर ही है, डिफरेंस क्या है? तो अगर आप ये डिफरेंस जानना चाहते हैं दोनों फोन के बारे में, तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले ना फोन के डिजाइन की बात करते हैं। तो जो इन्फिनिक्स वाला फोन है ना, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो एक लाइट वेट फोन खरीदना चाहते हैं। तो वेट वाइज अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो जो इन्फिनिक्स का फोन है उसका वेट है 184 ग्राम्स, और वही जो टेक्नो का फोन है उसका वेट है 186 ग्राम्स। दोनों ही स्मार्टफोन्स में ना 180 Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, और डिस्प्ले साइज में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। इन्फिनिक्स का जो डिस्प्ले है वो बड़ा है, इसमें आपको 6.6 इंच का एक हाई रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। वहीं टेक्नो में आपको 6.56 इंच का एक अच्छा डिस्प्ले मिलता है जिसमें 90 Hz रिफ्रेश रेट है। तो अब देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो अगर आपको एक बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन चाहिए, गेमिंग के हिसाब से फ़ोन चाहिए, तो इन्फिनिक्स वाला जो फ़ोन है वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। दोनों ही फ़ोन में आपको 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा जो स्टोरेज वेरिएंट्स हैं, जैसे कि इन्फिनिक्स वाला फ़ोन है उसमें आपको 3GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलती है, वही आपको दूसरे जो टेक्नो वाला फ़ोन है उसमें भी 3GB रैम और 64GB की स्टोरेज दी गई है। लेकिन वही जो इन्फिनिक्स का फ़ोन है ना, इसमें आपको स्टोरेज ज़्यादा एक्सेस आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्ड स्लॉट से आप 2TB तक की स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। वही जो टेक्नो का स्मार्टफोन है उसमें आपको 1TB स्टोरेज तक का सपोर्ट मिलता है। अब सबसे मेन फीचर्स होते हैं कैमरा फीचर्स। तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HT में आपको 13MP का एक प्राइमरी AI लेंस दिया गया है जो कि ऑटोफोकस सपोर्ट के साथ आता है। वहीं आपको जो टेक्नो वाला स्मार्टफोन है उसमें भी आपको 13MP का ही एक AI लेंस मिलता है जो कि ऑटोफोकस सपोर्ट के साथ आता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में काफ़ी हद तक सेम कैमरा परफॉर्मेंस दी गई है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको 8MP के पंच होल वाले कैमराज मिलते हैं, और सेल्फी के लिए भी ना दोनों स्मार्टफोन में आपको 8MP के फ्रंट सेंसर मिलता है। तो देखिए, कैमरा फीचर्स में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये दोनों फ़ोन एंड्रॉयड V13 सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, और इनमें यूनिसॉक T606 ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट दिया गया है। अब सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि दोनों फ़ोन में एक ही तरह के सिमिलर बैटरी साइज़ है, 5000mAh की बैटरी और 10 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो आप ये देखिए कि फीचर्स में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, कंपनीज अलग अलग हैं, थोड़ा डिज़ाइन में चेंजेस किए गए हैं। आपको इन्फिनिक्स में एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है, लाइट वेट है, वहीं टेक्नो में आपको थोड़ा छोटा डिस्प्ले मिलता है, लेकिन फ़ोन का जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इन्फिनिक्स का जो फ़ोन है ना, वो टेक्नो के फ़ोन से थोड़ा ज़्यादा और बजट सेगमेंट में आता है, लेकिन टेक्नो का भी जो फ़ोन है ना, ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि टेक्नो ना आजकल बहुत सारे अपने बजट स्मार्टफोन में बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफर कर रही है। तो ऐसे में आपको तय करना है कि आपके बजट में कौन सा फ़ोन फिट होता है, और परफॉर्मेंस वाइज आपको कौन सा फ़ोन बेस्ट लगता है। मैंने जो है इसके सारे जो बेसिक कंसर्न्स थे और बेसिक इनके डिफरेंसेस थे वो आपको बताए। तो कैसे लगे हैं आपको इन्फिनिक्स और टेक्नो के स्मार्टफोन्स? तो अगर आपका बजट कम है, एक सस्ता स्मार्टफोन खरीदना है, तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। आपको किसी को फ़ोन गिफ्ट करना है या फिर किसी को रिकमेंड करना है, तो ये फ़ोन आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। वो दोनों ही लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं। तो इन दोनों स्मार्टफोन्स में कौन सा फ़ोन आपको बेस्ट लगा है ना, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।